पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो राजा साहब के नाम से विख्यात पूर्व सीएम और जननायक के देहांत से दुखी ना हो। ऊना जिला मुख्यालय के समीपवर्ती कोटला कला स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ऊना ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र सहौड़ की अगुवाई में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और सदर हलके के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान को भी याद किया। कल जब हमें मालूम पड़ा कि राजा साहब कल तड़के 3:40 के करीब अंतिम सांस ली और हमें छोड़कर चले गए, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात की क्षति है ही है, पूरे हिमाचल को राजा साहब की कमी सदा खलती रहेगी। क्योंकि जहाँ तक पहले चीफ मिनिस्टर YS परमार जी का हिमाचल में बनाने का योगदान रहा और उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जी कैसे लीडर थे जिन्होंने हिमाचल के विकास को बुलंदियों पर पहुंचाया, और वो सिर्फ कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे बल्कि विपक्षी जो हमारी विरोधी पार्टी भी है वो भी इस बात को मानती थी कि राजा साहब जैसा जुझारू मेहनती लीडर द्वारा शायद हमें ना मिल सके। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा जिला मुख्यालय के MC पार्क में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा की अगुवाई में कारोबारियों ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सुमेश कुमार शर्मा ने कहा कि वीरभद्र व्यापारियों के सच्चे हितैषी रहे हैं। जब जब व्यापार मंडल ने अपनी समस्याएं वीरभद्र सिंह के साथ साझा की तो उन्होंने सभी समस्याओं को हल करने की दिशा में सकारात्मक योगदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा, वो एक ऐसे जननायक थे जिनका कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। आज माननीय राजा साहब जी की स्वर्गवास होने पे हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। माननीय राजा साहब एक हिमाचल प्रदेश की बहुत ही शख्सियत जिनको आज नतमस्तक होकर के सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए, और हिमाचल के निर्माण के लिए जो गाथा माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने लिखी है उसकी बहुत ही प्रशंसा की जा सकती है। और आज पूरा हिमाचल जितना हिमाचल के पूरे हिमाचलवासी हैं सभी गमगीन हुए हैं राजा साहब के जाने से। तो आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह व्यापार मंडलों द्वारा भी अपने अपने हिसाब के साथ राजा साहब को श्रद्धांजलि दी गई है। जी, आप भी काफ़ी समय से जो है वो व्यापार मंडल से जुड़े हैं, अगर बात की जाए तो व्यापारियों के साथ किस तरह के संबंध जो है वो वीरभद्र सिंह राजा साहब ने हमेशा व्यापारी जगत का हमेशा मान किया है। हमने जब भी कभी भी कोई उनसे कोई डिमांड की है कोई मांग की है तो उन्होंने हमारी मांग को पूरी तरह सुना है और कोशिश करी है उन्होंने कि उनको भी पूरा करने के लिए। बहुत व्यापार मंडल का सभी व्यापारियों का बहुत मान सम्मान करते थे। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ 1985 से लेकर 1990 तक हम विधायक रहे और हमारे वो मुख्यमंत्री थे, वो हिमाचल के बहुत बड़े महान नेता ना पहले हुए ना आगे को होगा। भाई वीरभद्र सिंह जी बहुत ही अच्छे और गरीबों की बात जो है वो सुनते थे और सबकी बात सुनते थे, किसानों की गरीबों की। जब भी हमारे इलाके में आते थे हर गांव-गांव में जाते थे, हर गांव-गांव के लोगों से मिलते थे, समस्याएं सुनते थे, गरीबों से मिलते थे और उनकी समस्याओं का जो हल होता था उसी समय निकाल देते थे। तो आज हम बहुत ही हमें नुकसान हुआ है राजा साहब के जाने का, बहुत हमारे
1975 को हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा उनके जाने से नुकसान हुआ है और जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।